दुर्गा दुर्गा नमस्कार, आमार नाम शरद झुनझुनवाला, आमी कोलकाताय थाकी, बालीगंजे थाकी। आमार दादू 1940 साले कोलकाताय एसेछिलेन, तखन थेके बालीगंजेर बाड़ी। आमार बाबार जन्म ओखाने होयेछे, आमार जन्म एखाने होयेछे। एई होच्छे आमार छोटो इंट्रोडक्शन टू अल माई बेंगली फ्रेंड्स। आपनारा प्रचुर मेसेज दिच्छेन, जानि ना केन अनेबल टू बिलिव যে আমি কলকাতা থেকে আছি। আমি একদম কলকাতা থেকে আছি, এখানেই জন্মেছি, এখানেই পড়েছি, এখানেই আছি। নমস্কার। দিস ওয়াজ আ স্মল ইন্ট্রোডাকশন ফর অল মাই ফ্রেন্ডস হু আর নট বিলিভিং দ্যাট আই বিলং আই স্টে ইন কলকাতা অর আই ক্যান স্পিক বেঙ্গলি। সো ইয়ে ছোটা সা ইন্ট্রোডাকশন থা উন দোস্তো কে লিয়ে। মে পুরা ভিডিও বাপস ইংলিশ অর হিন্দি মে বনানে কি চেষ্টা করুঙ্গা, মিক্স। बंगाली फ्रेंड्स लोग के लिए था जो विश्वास नहीं करते हैं, या ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ये विश्वास नहीं करते हैं कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, कोलकाता में रहता हूँ। आज मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगा टाइम साइकिल के ऊपर। आज का टॉपिक है टाइम साइकिल, और टाइम साइकिल से जो टैगलाइन है, जो इसका कमेंट है, उसको मैं कनेक्ट करूंगा। मार्केट तो ऑब्वियसली अपने आप कनेक्ट होगा सारी चीजों के साथ। टाइम साइकिल क्या है? टाइम साइकिल का आधार गीता के उसी श्लोक में है जो सब सुन चुके हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। छोटा श्लोक या छोटा उसका भावार्थ, जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि वो अलग है, इसका अलग है तात्पर्य, बट फिर भी जैसी करनी वैसी भरनी। अब उसको अगर आप ज्ञान के संग ले जाओ या कोई भी दूसरे भावार्थ पे ले जाओ, अब जैसी करनी वैसी भरनी लोग क्या करते हैं, बहुत डीपली समझिएगा। मैं शायद थोड़ा जल्दी बोलूं, धीरे बोलूं, क्योंकि 22 मिनट में पूरा कवर करना शायद मुश्किल हो। लोग क्या करते हैं? जैसा देश वैसा भेष, तो जैसी परिस्थिति वैसी करनी। आप जिस संगति में रहेंगे वैसा आप कर्म करेंगे। अब उस कर्म का फल अच्छा या बुरा, आज के लिए या बाद के लिए, समझिए इसको एक यूनिवर्सल लॉ है जो हम ज्ञान में बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉजेशन, कि इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। एवरी कॉज हैज इट्स इफेक्ट। आपको इफेक्ट समझना है तो आप पहले कॉज को पकड़ लीजिए। अगर कॉज तक पहुंच गए तो आपको पता है कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। यह सिंपल है टाइम साइकिल। मैं समय हूं, मैं समय घूम रहा हूं, मैं घूमता रहूंगा। आप जो करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। मैंने क्या चीज कब किस परिस्थिति में की, उसका फल जब परिस्थिति चेंज होगी उस समय मेरे को मिलेगा, किसी को भी मिलेगा। अब इसको जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो क्या पकड़ते हैं, उस परिस्थिति में जब कर्म किया गया तो क्या परिस्थिति थी। अब मैं उसको बोल रहा हूं परिस्थिति, वो बोलेंगे ग्रह नक्षत्र, और उसका इफेक्ट कब आएगा। आप सोचो, मैं एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक चीज बता रहा हूं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो बहुत जानते हैं, बट उस वो कब किस परिस्थिति में किसने क्या किया और उसका इफेक्ट अब उसको कब कैसे मिलने वाला है, यही है टाइम साइकिल। आप का मेरा काम सिर्फ ये है, ये पकड़ते रहना, ये देखते रहना कि कब कुछ अच्छा हुआ उसका फल कब मिलेगा, कब क्या बुरा हुआ उसका रिजल्ट क्या आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। उसके लिए बहुत कैलकुलेशन है, तरीका है, बहुत कुछ है। टाइम साइकिल है, ज्ञान का एक अपना टाइम साइकिल है, एस्ट्रोलॉजर्स का एक अपना टाइम साइकिल है, बहुत चीजों का बहुत। अल्टीमेटली ऑल रिलीजन लीड टू सेम गॉड। अगर आप कोई भी रास्ते पर चलो पर पहुंचना एक ही जगह है, उसको आप किसी भी तरीका से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस चीज के पीछे टाइम साइकिल तो ये हो गया कॉज। जैसे कि आज 2018-19 में जब मैंने प्रिडिक्टेड इन ट्विटर ओपनली कि यूएसए का ये ऐसा ऐसा फेट होने वाला है, उस समय तो ट्रंप प्रेसिडेंट था। ट्रंप का 98% 96% एक्सेप्टेबिलिटी था। सेकेंड टर्म में वो ऑलरेडी इलेक्शन चालू हो चुका था, कैंपेनिंग, एंड ऑब्वियसली इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि ही इज गोइंग टू विन। तब तो ऐसा नहीं था कि बाइडन आ जाएगा एंड वी विल सी, हम ये देखेंगे, वी आर अबाउट टू सी द वीकेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ
यूएसए, करेक्ट। इसका मतलब क्या कि इसके पहले कई साल पहले जो यूएस का हुआ या यूएस ने जो भी सही किया गलत किया, आज उसका खामियाजा, अब उसका रिजल्ट वीक प्रेसिडेंट, वीक प्रेसिडेंट के कारण यूएसए का ये हाल, चाहे उसके पीछे जो भी हो, रशिया, यूक्रेन, अब यूएसए डॉलर, पेट्रो डॉलर, जो जो प्रेडिक्शंस था, अब वो एक समय पे धीरे 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 आ रहा है। देखिए अपने इंडिया का टाइम साइकिल पे अगर फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एग्जांपल तो इंडिया का टाइम साइकिल का ही दे पाऊंगा, आई विल गिव एग्जांपल ऑफ टाइम साइकिल फॉर इंडिया ऑफ ओनली लास्ट फ्यू इयर्स। अब व्हाट आई सेड, बाइडन बिकेम प्रेसिडेंट, व्हाई हाउ आई विल से इट इज टाइम, इट वॉज डेस्टिनी, ये ऐसा होना था कि इस समय में जाकर एक वीक प्रेसिडेंट आना था। ट्रंप का जीतना हिलेरी के सामने, इसका भी प्रेडिक्शन मैंने किया था जब मैंने ये ट्वीट किया था इलेक्शन रिजल्ट के पहले, ट्रंप विल बी ट्रम्पेटेड, हिलेरी विल गो डाउन द हिल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब उस समय क्या था, हिलेरी का एक्सेप्टेंस 98-99% था, आई थिंक बिफोर एग्जैक्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, आई थिंक द बेटिंग ऑड्स वर ऑल्सो यू नो 1:100 और प्रॉब्ली I don't know whatever 1:1,000 for Trump win, but Trump won. And stock market crashed, bullion all went upper circuit. But then there was a golden era for USA. I see it as a very good era for USA where lot of reforms, nationalism was promoted. USA first, which is very important. Today we are proud that we are doing Make in India. अगर हम इस चीज पे गर्व करते हैं मेक इन इंडिया, तो अगर कोई दूसरी कंट्री यूएसए फर्स्ट बोलती है, वी कैनॉट बी हिपोक्रेट्स। मेरे कंट्री के लिए एक रूल, दूसरे कंट्री के लिए दूसरा रूल, नहीं। मैं फिर वापस घूम के आता हूं, बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन में प्रेसिडेंट बनना और अब यूएसए का वीक होना। लास्ट टाइम मैंने कुछ मोदी जी के बारे में बोला, ऐसा वैसा डिप्लोमेसी, लोग ट्रोल करने आ गए, या लोग अलग हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि सब एक जैसा सोचें, मैं चाहता भी नहीं हूं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो लोग आकर बोलने लगे मैं मोदी भक्त हूं, मेरा कोई, मैं मोदी भक्त नहीं हूं, मैं देश भक्त हूं, इंडिया फर्स्ट, जैसा जैसा राजा वैसा प्रजा, कहावत है, मैं सिर्फ कहावतों में बात कर रहा हूं कि जैसी जैसा राजा वैसा वैसी प्रजा, देश को राजा भी अच्छा बुरा देश के समय के हिसाब से मिलेगा। आज यूएसए को बाइडन मिला तो वो उसका समय निर्धारित कर रहा है, द टाइम इज डिसाइडिंग हु इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सो दैट द फेट व्हाट इज सपोज टू हैपन, जो होना है वो हो, दिस इज टाइम सेट। मोदी का इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना, जीतना, अच्छा करना, बुरा करना, ये मैं बोलता हूं मोदी कर रहा है, ठीक है, अपनी जगह है, मैं ये जानता हूं ये इंडिया का डेस्टिनी है। एक दोहा है, पूरा याद नहीं आ रहा है, देवनहार कोई और है, एनीवे नहीं बोलूंगा अगर नहीं याद है तो पूरा, तो उसमें क्या है कि डेस्टिनी जो है वो कब किससे क्या करवाए, बिकॉज अल्टीमेटली रिजल्ट होना है, और डेस्टिनी में Everyone becomes माध्यम, conduit. So today India is destined for betterment and Modi is just a conduit, माध्यम, उसके उससे हो रहा है, उसके हाथों से हो रहा है, या वो कर रहा है, या उस, मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज मी, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू डू, बट द एडमिनिस्ट्रेशन, द सिस्टम ड्राइव्स, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो वो सिस्टम ड्राइव हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं, टाइम साइकिल पे बात करते करते क्यों पॉलिटिक्स में आ गया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंडिया पे आते हैं, क्योंकि टैगलाइन मैंने बड़ा खतरनाक दिया है, मेरे को उसको भी जोड़ना है। सिर्फ लास्ट चार साल का, तीन साल का बात करते हैं, 2019 में अगस्त में पार्लियामेंट में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक होता है। खाली पॉइंट नोट करिएगा, मैं राइट रॉन्ग कुछ नहीं बोलूंगा, मैं राइट रॉन्ग का डिसीजन नहीं दूंगा,
मेरा सब कुछ बोलने के पीछे का कारण एक ही है जो मैं बार बार बोलता हूं, सी फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल। क्योंकि हर समय एवरी टाइम देर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द कर्टेन एंड अंडर द कार्पेट। आपको यह समझना है कि वो पर्दे के पीछे और कार्पेट के नीचे क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूं, जोड़िए आप, राइट रॉन्ग आई विल नॉट से। 2019 अगस्त में, मई में मोदी सेकेंड टर्म में, मोदी जी सेकेंड टर्म में आते हैं, अगस्त में पार्लियामेंट में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चला जाता है। एग्जैक्टली उसके बाद सितंबर अक्टूबर से प्रोटेस्ट चालू होता है दिल्ली का, ठीक है। वो प्रोटेस्ट चलता है मार्च तक। मार्च में वो खत्म कब होता है? दिल्ली रायट्स के साथ। वो खत्म होते होते, वो खत्म हो ही रहा था कि इंडो चाइना, अब देखिए इसके बीच में कोविड आ चुका है, जनवरी फरवरी में कोविड आ चुका है, कोविड का स्ट्राइक आना, दिल्ली रायट्स पैरेलली एक साथ। उसके बाद वो खत्म नहीं हुआ, तीन महीने मई जून में इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। मतलब एक चीज अगर खत्म हुआ, जस्ट वी केम आउट ऑफ अ स्मॉल थिंग दिस शहीन बाग, इमीडिएटली इंडो चाइना। इंडो चाइना खत्म भी नहीं हुआ, सितंबर अक्टूबर वॉज फार्मर प्रोटेस्ट एंड दिस फार्मर प्रोटेस्ट वेंट टिल एंड ऑफ 2021। सो 2021 एंड 2020 वॉज कोविड, इंटायर ईयर वॉज कोविड, वर्ल्ड वॉज सफरिंग। 21 वॉज फार्मर प्रोटेस्ट एग्रीकल्चर, वी आर इन 22 एंड 22 स्टार्टेड विथ अ बैंग विथ रशिया यूक्रेन मार्च में। नाउ वेयर इज इंडिया? अब इंडिया ये सब चीजों में इंडिया कहां बैठता है और कहां फिट हो रहा है, वो आप पहले तो ये सब क्यों हुआ एक के बाद एक, एज इफ देयर वाज सम फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड टू डिस्टेबलाइज इंडिया एंड दे प्रोबब्ली समवन वाज नॉट हैप्पी एंड ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। क्योंकि देखिए लोग, आज के दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है, दुनिया दूसरों के सुख से दुखी है। टुडे द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, पीपल आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस हैप्पीनेस। सो इफ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इट इज अ प्रॉब्लम टू मेनी। नाउ कनेक्ट ऑल द डॉट्स दैट पीपल, देयर आर फोर्सेस हु आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज, ओके लेट देम डिस्टेबलाइज, थिंक whether this F2 selling is also a part of that thing. I'm just giving pointers. I told, मैं बोल चुका हूं, मैं अपना व्यू नहीं बोलूंगा, मैं आपको कनेक्ट करूंगा, डॉट कनेक्ट करूंगा, फिर इंडिया को गोल्ड माइन क्या मिला और कैसे मिला, क्यों मिला। अब आप देखो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि 2019 का शहीन बाग एंड हो जाता है, कोविड आता है, तब कोविड आया एंड फोर्सफुल जैसा भी एक फ्रस्ट्रेशन में, आई विल दिल्ली राइट्स मे बी वॉज बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन में खत्म हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, राइट रॉन्ग अगेन नो कमेंट्स। देन इंडो चाइना प्रॉब्ली वॉज अ रॉन्ग मूव, प्रॉब्ली बिकॉज द एंटायर वर्ल्ड वॉज वेरी अनहैप्पी विथ चाइना बाय दैट टाइम एंड इंडिया स्टार्टेड बैनिंग चाइनीज एप्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स, थोड़ा बाइकॉट, जनरल अवेयरनेस ऑफ बाइकॉट चाइना, सो बिकेम गुड फॉर इंडिया, बिकेम गुड फॉर इंडिया। नाउ आई विल से हाउ थिंग्स वेंट इन फेवर ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। सारा प्रॉब्लम सब कुछ है बट इंडिया के फेवर में चीजें कैसे टर्न हो रही हैं। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, दैट इज द टॉपिक फॉर टूडे, कि सारा कुछ प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज एवरीवेयर बट सडनली इंडिया इज यू नो शाइनिंग ब्राइट आउट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। कोविड गेव अस इंडिया वर्ल्ड मैप में रिकॉग्निशन फॉर फार्मा, ऑल द फार्मा कंपनीज, आवर वैक्सीन
वी आर प्राउड टूडे, आज हम प्राउड प्राउड हैं कि हमने 150-200 देश को वैक्सीन दिया, लोगों की जान बचाई. सो इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स प्रोवाइडिंग वैक्सीन. कंट्रीज वर बेगिंग फॉर वैक्सीन. किससे? नॉट मोदी, आई विल से इंडिया से. इंडिया का समय. सो कोविड इंडिया बेनिफिट, इंडो चाइना इंडिया बेनिफिट, इंडियन कंपनीज बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ लिटिल बिट अवेयरनेस अबाउट बायकॉट चाइना. एक थोड़ा बायकॉट चाइना का जो एक बुखार चला, उसके कारण बेनिफिट किसको हुआ? इंडियन कंपनीज. ठीक है, इन सारे चीजों में कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ने हिट लिया, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड एवरीथिंग. इसके पीछे की एक कहानी है, इसके पीछे की एक कहानी है. अच्छा, इसके बीच में और एक अच्छा फायदा ये हो गया कि कोविड जो आया और चाइना के अगेंस्ट में वर्ल्ड एक यूनाइटेड हो गया. जब वर्ल्ड यूनाइटेड हुआ तो आप क्वाड के, क्वाड बहुत स्ट्रांग हो गया. इंडिया जो क्वाड लीड कर रहा है आज के दिन, क्वाड स्ट्रांग हो गया. तो आज मेजर कंट्रीज आपके एशिया पैक में, एपैक में, चाइना इधर रीजन में, साउथ चाइना सी एंड ऑल दोस, इंडिया अगेन बिकेम स्ट्रांग. नहीं तो इंडिया को कौन पूछता था? बट अब वो इंडिया स्ट्रांग हो गया. इंडिया बिकेम वेरी स्ट्रांग बिकॉज ऑफ रॉन्ग डीड ऑफ समवन एल्स. प्रॉब्लम कहीं और, बट उसका बेनिफिट किसको मिला? इंडिया को. उसका बेनिफिट किसको मिला? इंडिया को. अब 2022 पे आ जाइए. 2022 में यूएस चाइना, यूक्रेन चाइना हुआ, यूक्रेन रशिया हुआ. आज के दिन में बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया. अब टाइम साइकिल पे आइए कि 1882 से 92, उस समय जब सोवियत यूनियन का बुरा दौर था, उस समय जो इंडिया का उसके साथ दोस्ती था, आज वो उसका बेनिफिट मिल रहा है कि वर्ल्ड में कोई आकर नहीं बोल पा रहा है कि आप रशिया से दूर हट जाइए. क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती आज की नहीं. ये इंपॉर्टेंट है कि ये दोस्ती हमारी आज की नहीं है. आज आप सोचिए, दुनिया त्राही त्राही कर रही है और आज आपके पास वो 25% 40% डिस्काउंट में दे रहा है और इंडियन करेंसी में दे रहा है, INR पे दे रहा है, या एक्सचेंज पे दे रहा है, एक्सचेंज में बार्टर पे दे रहा है. तो यूक्रेन रशिया हुआ, उसमें भी इंडिया का बेनिफिट. अब न्यूज है, पेट्रोल डीजल पे रेट कट हो गया, एक्साइज ड्यूटी, 1,00,000 करोड़ का घाटा. ये अच्छा न्यूज है कि बुरा न्यूज? लोग बुरा क्यों खोजते हैं या सोचते हैं? आप सोचिए, कल से आज के बीच में आई हैव गॉट मोर देन 100 मैसेजेस, सर इसका फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा? प्रॉब्लम मैं बार बार बोलता हूं, 100 बार बोल चुका हूं, कोविड के टाइम में भी बोला, वॉर के टाइम में भी बोला, हर समय बोलता हूं. मीडिया आपको वो दिखाती है जो वो दिखाना चाहती है, जो पिक्चर वो दिखाना चाहती है. मीडिया ऑलवेज शोज अ पिक्चर विच दे वॉन्ट टू पोर्ट्रे. डोंट गो बाय दैट. आपको पता है 2,00,000 करोड़ का इंडिया को लास्ट 4 महीने में जैकपॉट मिला है, लॉटरी. एंड दैट लॉटरी, आई एम श्योर नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट. आई एम प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन टू टॉक दैट गोल्ड एंड सिल्वर इज व्हीट एंड राइस. यस, आई एम गेटिंग गूज बम्स टेलिंग यू दिस. इट इज व्हीट एंड राइस. FCI के साइट पे जाइए, डू योर रिसर्च. 2021 वॉज अ ईयर जहां पर इंडिया के पास ये कंडीशन था कि वो राइस ग्रेन्स रख नहीं पा रहा था. एंड 2017 इट वॉज डिसाइडेड अ क्वांटिटी विच इंडिया वॉज सपोज टू, FCI वॉज सपोज टू कीप एज अ बैकअप फॉर एनी फैमीन. कुछ भी हो जाए, कुछ बुरा हो अच्छा हो, उसके लिए FCI के गोडाउन में 275 लाख टन वीट राइस होना चाहिए. 2021 आते आते मई में इट वॉज 900 लाख मेट्रिक टन. अब आप सोच के देखिए, इंडिया के पास FCI के पास रखने की कैपेसिटी नहीं है. ये लास्ट 10 ईयर्स में दे हैव इंक्रीज. इसके पहले हम क्या सुनते थे? सड़ गया, चूहा खा गया, ओपन में रखा है. अब वो नहीं सुनते हैं बिकॉज नाउ 2012-13 के बाद FCI को ये मैंडेट मिला कि वो सब जगह प्राइवेटाइज भी यूज करेगा और खुद सब जगह स्टोरेज फैसिलिटी करेगा. सो ऑल द राइस स्टॉक्स आर मार्क्ड. उसमें अब बर्बादी का कोई कारण नहीं है. दिस इज द बेस्ट पार्ट.
अब आप उसमें यह सोच के देखिए कि वो राइस और वीट रखने का जगह नहीं है, बिकॉज एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते करते, फार्मर को सपोर्ट करते करते आप एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं. सो एमएसपी व्हेन इट इज मोर देन द मार्केट प्राइस, वो सिर्फ आपको बेच रहे हैं. एंड गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्रोक्योरिंग 1.2 लाख करोड़ इज एवरेज लास्ट 4 ईयर्स एग्रीकल्चर सब्सिडी जो ये एफसीआई उठा रहा है. करेक्ट है. अब आप ये सोचिए कि लास्ट 3 साल से आप अपना अब दिमाग चलाइए, बैकग्राउंड में जाइए, रिवाइंड करिए. 2 रुपया 3 रुपया में दे रहा था गवर्नमेंट. जब 2020 का कोविड हुआ उस समय फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया. अब आप इसको नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, उसका मैंडेट भी होना चाहिए, उसका जिगर भी होना चाहिए. बट एफसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खरीद जो चुके हैं उनके पास रखने का जगह नहीं है और लोगों को चाहिए. गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप किया, फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया. आज मैं थोड़ा वीडियो लंबा करूंगा. गवर्नमेंट ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया. 2021 में द रिकॉर्ड सेज इट वॉज द हाइएस्ट एफसीआई के पास स्टेट एंड सेंटर दोनों का मिलाकर इट वॉज मोर देन 900 लाख मेट्रिक टन ऑफ वीट एंड राइस पैडी टूगेदर. आई एम टॉकिंग ओनली कंप्लीट, मतलब बना हुआ राइस एंड वीट. मैं उसको क्या बोलते हैं, अनपॉलिश्ड या पैडी की बात ही नहीं कर रहा हूं. जो हस्क के साथ होता है उसको फिर निकालना पड़ता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं. दैट इज अनदर 200-300 लाख मेट्रिक टन, उसको भूल जाइए एक बार के लिए. वहां तक आप पहुंचे मई में. फिर 14-15 अगस्त को अफगानिस्तान होता है. आप देखिए कौन सा कंट्री फर्स्ट आया बोलने के लिए कि मैं आपको फ्री राइस दूंगा, फ्री वीट दूंगा. पाकिस्तान मर रहा है. पाकिस्तान में गंदुम इज लाइक उसको गंदुम बोलते हैं उन लोग. गंदुम आई थिंक इट इज मोर देन 100 रुपीज अ केजी, 80 रुपीज अ केजी. वहां पर आप अफगानिस्तान में 50,000 मेट्रिक टन. इंडिया इमीडिएटली सी. अब आप इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच सकते हैं कि अच्छा रखने का जगह नहीं था तो फ्री दिया. फैक्ट ठीक है, जिगरा है ना. हमने सबको दिया, अभी नेपाल को दिया, श्रीलंका. अब आप आ जाइए अपने नेबरिंग कंट्रीज के अगल बगल. आपका श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इज गुड, स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. कॉटन प्राइसेस डबल हो चुके हैं. बांग्लादेश का पूरा इकोनॉमी कॉटन के ऊपर है. कॉटन इंडिया से लेता है या चारों तरफ से लेता है और लेकर कॉटन प्रोसेस करता है. कॉटन प्रोसेस करके जितने ब्रांडेड शर्ट्स एंड ऑल व्हाटएवर, बट दे आर सफरिंग, द इकोनॉमी इज सफरिंग बिकॉज कॉटन प्राइसेस हैज डबल्ड. 21 प्राइस और आज के प्राइस में डबल हो गए. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैक ऑल दीज डेटा. कहां थे? हां, राइस और वीट. अफगानिस्तान को दिया, नेपाल को दिया, श्रीलंका को भी दिया, जिसको चाहिए उसको दिया. अब देखिए रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया. यूक्रेन इज, रशिया इज फेमस फॉर नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज अंडर द अर्थ, जिसमें क्रूड भी है. मेजर बेनिफिशियरी इंडिया, किसी को नहीं मिल रहा है, इंडिया को मिल रहा है. टुडे यूके इज डिक्लेयर्ड, आप डिक्लेयर्ड मीडिया में है, जैसे भी है, डिक्लेयर्ड ऑलमोस्ट इन रिसेशन. वाई? ओनली रीजन गैस प्राइसेस. उनका गैस प्राइस के कारण दे आर अबाउट टू गो इन टू रिसेशन. यूके इज गोइंग इन टू रिसेशन मेजरली बिकॉज ऑफ द गैस प्राइसेस, बिकॉज गैस, दे आर गैस डिपेंडेंट ऑन रशिया. यूएस तो अब यूएस बोलते ना अपना नेचुरल डेथ पे जाएगा. कैसे जाएगा? बिकॉज अगर पेट्रोल डॉलर खत्म हो जाता है तो यूएस को कौन पूछेगा? नैसडेक का क्रैश जो है ये तो मार्च में आकर आई हैव टोल्ड इन एडवांस कि अप्रैल फर्स्ट वीक से 3 साल के लिए आईटी स्टॉक्स को भूल जाइए. और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अभी जो मेजर कल परसों में जो कैपिचुलेशन हुआ, इसके बाद एक स्ट्रांग बाउंस बैक आएगा, आना चाहिए. बट दिस इज नॉट अ बुल मार्केट. नाउ बुल मार्केट फॉर आईटी स्टॉक्स इज फिनिश्ड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स मिनिमम, इवन मोर देन दैट. भूल जाइए ये. यहां से आई थिंक आई सी ऑल द आईटी स्टॉक्स, मेजर आईटी स्टॉक्स और मेजोरिटी ऑफ आईटी स्टॉक्स 60-70% करेक्ट कर जाएंगे यहां से.
60-70%. अगर आज 100 रुपया है तो प्रॉब्ली दे विल बी अवेलेबल इन 30-40 रुपीज और 20-30 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन पेडिग्री ऑफ द कंपनी, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एनी वेयर प्राइस कट बिटवीन 60-80% हो सकता है, 50-80% वॉट एवर उस बैंड में, फिर घूम गया। राइस और बीन, गोल्ड एंड सिल्वर, हाउ इंडिया डिस्कवर्ड, तो अब आते हैं वहां पे। तो 900 लाख मेट्रिक टन एफसीआई के पास स्टॉक था लास्ट मई जून में, उसके बाद अफगानिस्तान को दिया, फिर प्रोक्योरमेंट कब होता है, प्रोक्योरमेंट का सीजन तो अब शुरू होगा, तो ये 6 मंथ्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा स्टॉक दिया। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, अब रशिया का जो बताया था, रशिया इज यूक्रेन फेमस, यूक्रेन स्टडी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, यूक्रेन इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड या वीट बॉल ऑफ द वर्ल्ड, बेसिकली इट्स अ फूड बास्केट, वो पूरे वर्ल्ड को फूड, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी उगाता है और पूरे वर्ल्ड को खिलाता है। अब देखो वॉर के कारण वो पूरा हो गया जीरो और इंडिया के पास निकल गया स्टॉक। गो बैक एंड सर्च, डू योर डिलिजेंस। यूएसए लास्ट वीक वीट हिट अ ऑल टाइम हाई ऑफ $27 पर ब्रुशल, वन ब्रुशल इज प्रॉब्ली 27.21 केजीज, दैट कम्स टू अराउंड 35-40 रुपीज, मतलब 35-40 रुपया आज के प्राइस पे, डॉलर प्राइस अपने कॉमोडिटी एक्सचेंज में, आई थिंक IEX या ICX जहां पे भी ट्रेड होता है एग्री कॉमोडिटी में, आई थिंक इट हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 2700 या ऐसे कुछ। आज का MSP क्या है, आज का MSP इस बजट में था 1975 रुपीज पर क्विंटल वीट आई एम टॉकिंग अबाउट, और इंटरनेशनल प्राइस देखो कहां है। अच्छा ये मैं क्यों बोल रहा हूं लॉटरी, या क्यों बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट को गोल्ड माइन मिल गया और उसका क्या वैल्यूएशन है, गवर्नमेंट को तो ये अलॉटेड है, 1 लाख 1.25 लाख इज अलॉटेड एज अ फूड सब्सिडी, ये तो उनको देना है, वो दे देंगे और परचेज कर लेंगे, उनको पता है कि दे जस्ट वॉन्ट टू बाई इट एंड कीप इट बिकॉज वो परचेज करेंगे 1975 में एंड दे आर गोइंग टू सेल इट फॉर 3 रुपीज। बट नाउ सडनली वॉट हैपन्स, देयर इंटायर ओल्ड स्टॉक इज नाउ वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपीज, विच वॉज मतलब जो पुराना स्टॉक जो वो फ्री में दे रहे थे, अफगानिस्तान को फ्री में दे दिया, नेपाल को फ्री में दे दिया, श्रीलंका को फ्री में दे दिया, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री टू पीपल, प्लीज टेक इट, प्लीज कंज्यूम इट, वी कैनॉट थ्रो इट, हम थ्रो फेंक नहीं पा रहे हैं, आपको जिसको फ्री में चाहिए ले लीजिए। वो ऐश का मतलब एक तरह से जिसका बजट डेफिसिट में आपने प्रोवाइड करके उसको एज अ डेफिसिट प्रोवाइड करके पुराने बैलेंस शीट में आप परचेज कर चुके हो और वो मतलब एज अ डेफिसिट पड़ा हुआ है, मतलब वो डेफिसिट फाइनेंसिंग होकर जीरो कॉस्ट पे पड़ा हुआ है आपके पास और आज उसका सडनली वैल्यू निकलता है 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सीधा वैल्यू उसका हो गया आज के प्राइस पे, कल वापस सर्किट करता है अगर इंटरनेशनल मार्केट, और अब तो करेगा बिकॉज दिस इज द टाइम वेन आई हैव ऑलरेडी फोरकास्टेड लास्ट टू लास्ट ईयर फूड क्राइसिस इन इंडिया, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था एंड वही सोच के मैंने किया था वो टाइम साइकिल को, when I came to the prediction, जब मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि फूड क्राइसिस आने वाला है ग्लोबली, दैट वॉज द टाइम आई आस्क्ड, माई रिकमेंडेशन वॉज टू इन्वेस्ट इन शुगर एंड राइस स्टॉक्स। नाउ यू सी वॉट इज द शुगर एंड राइस स्टॉक रिटर्न, और अब तो ये शुरू हुआ है बिकॉज द क्राइसिस हैज जस्ट स्टार्टेड, सो जस्ट इमेजिन दिस गोल्ड माइन, गोल्ड एंड सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ वीट एंड राइस विच दिस गवर्नमेंट इज होल्डिंग। ये जो 1 लाख करोड़ का डेफिसिट आपको पेट्रोल एंड डीजल पे दिख रहा है ना, गवर्नमेंट इजीली FCI का स्टॉक एक्सपोर्ट करके बेच के पूरा रिकवर कर लेगा और इनफैक्ट उससे ज्यादा रिकवर कर लेगा। ये जो 1 लाख करोड़ अभी रिसेंटली में कोई चीज में दिया, 1 लाख करोड़ अभी रिसेंटली में दे दिया, आप ये मत सोचो। अब इस मैं बोलना क्या चाह रहा था, अब उस पॉइंट पे आता हूं क्योंकि अब कंप्लीट करता हूं वीडियो को। बुरा कहां कहां कर रहा है, बुरा कोई करना चाह रहा है पर
घूम फिर के मेरा अच्छा हो जा रहा है। तीन चार चीज बता दिया आपको। अब यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, उसमें मेरे पास पड़ा हुआ 2,00,000 करोड़ हो, आई लिटरली टर्न्ड आउट टू बी अ लॉटरी फॉर मी ऑफ 2,00,000 करोड़। 2,00,000 करोड़, यस आई, आप कैलकुलेट कर लो आज का स्टॉक का वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लो जस्ट एज अ नॉर्मल 25 रुपीज, आई हैव कैलकुलेटेड 25 रुपीज अ केजी, आई हैव कैलकुलेटेड। आप इफ यू एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं या यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इट इज लाइक डबल ट्रिपल द प्राइस। मार्केट पे आते हैं, मार्केट पे करना कौन क्या चाह रहा है वो अपनी जगह है, हो क्या रहा है वो आप देखो। इंडिया का भाग्य मैंने आपको बताया कि इंडिया के साथ कोई जितना बुरा कहीं पे भी करना चाह रहा है, पर इंडिया में अच्छा हो रहा है। ये मैं आपको इंडिया का टाइम साइकिल बताया, ये नहीं बोल रहा हूँ, गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इंडिया का टाइम साइकिल आने वाला सारा कुछ अच्छा है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ। मार्केट में भी वही है जब आपको 4 वीक पहले आकर बोला था कि पोर्टफोलियो तक बेच देना, आप कसम खाओगे। अब आप खुद सोचो कि कितने लोगों में से, आप में से कितने लोग कसम खा चुके हैं, कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, मार्केट से निकल चुके हैं। यू थिंक यू डिसाइड, अपने अगल बगल देखिए कि मैं सही था मैं गलत था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा सही मेरा गलत, अगर आपको पेन है तो मेरा सही और गलत अच्छा नहीं है। बट दैट वॉज अ हिंट कि अलग दूर हट जाना, बेच देना पोर्टफोलियो, ये मार्केट अब कसम खिलवाएगा आपसे। दैट वॉज एन एडवांस अलर्ट, 17,300 का निफ्टी था उस समय। लास्ट वीक आके मैंने बोला अब कुछ मत बेचना, 15,700 का निफ्टी था, आज हम 16,000 पे ही हैं या 16,100-16,200 पर हैं। बट आप स्ट्रांग बाउंस देख रहे हैं, कब देखे थे लास्ट 3-3%, 2-2%, 3-3% का एक एक दिन में बाउंस। आई थिंक मार्केट हैज अ सरप्राइज इन स्टोर, एंड आई थिंक बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मे आई सेड 1500 पॉइंट का एक मूव है, हो गया 1500 पॉइंट का मूव। आई थिंक कुछ इससे भी बड़ा है, हो सकता है कुछ ऊपर जाकर नीचे बहुत बड़ा हो जाए, नीचे जाकर ऊपर बहुत बड़ा हो जाए, इसके बाद अब दिसंबर तक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मैंने हिंट दिया है, कंफर्मेशन जैसे जैसे मेरे को मिलेगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ व्यू में चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में हिंट दे देता हूं सबके, आपके बेनिफिट के लिए। देखते हैं उसके बाद तो क्या होता है, प्रभु इच्छा। हिंट मैंने मेरा जो देने का काम था वो दे चुका हूं। एक ही स्टेटमेंट से अपना वीडियो क्लोज करूंगा कि सर्वे सुखिनो भवंतु, सब सुखी रहें। ये वॉर हमारा अच्छा, किसी का बुरा होकर अगर मेरा अच्छा हुआ, बंगाली में कहावत है कारो सर्वनाश कारो पौषनाश, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अब हम जब जो ग्लोबल अरीना में आ गए हैं, द काइंड ऑफ ग्लोबल अरीना वी आर, इफ यू द ओनली थिंग विच पीपल रिस्पेक्ट इज पावर, द ओनली थिंग विच द ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पेक्ट इज पावर। रशिया में पुतिन ने भी वही करके दिखाया, इंडिया भी अब ग्लोबल अरीना पे वही कर रहा है और करना भी चाहिए। जहां झुकना है वहां झुक भी रहे हैं, जहां आग दिखाना है वहां आग भी दिखाना है।